अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस लगातार एक्शन में। योगी राज में अपराधियों का पक्का इलाज किया जा रहा है। ऑपरेशन क्लीन के जरिए अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। और अंबेडकर नगर की बेटी की जान लेने वाले अपराधियों को भी कुछ ऐसी ही सजा दी गई है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की, जहां पर लड़की का दुपट्टा खींचने वाले आरोपियों ने बंदूक छीनने की कोशिश की तो पुलिस ने मौके पर उन्हें जिंदगी भर का ऐसा जख्म दे दिया जो उन्हें हर गुनाह से पहले उसकी याद दिलाएगा। लड़कियां जो स्कूल से पढ़कर आ रही थी, उसमें एक लड़की के साथ लड़कों ने छेड़खानी की, जिससे लड़की साइकिल से गिर गई। पीछे से आने वाली बाइक ने उस लड़की के ऊपर एक्सीडेंट कर दिया। जो इसमें नामजद अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष कार्रवाई सात संकलन के आधार पर की जाएगी। दरअसल बीते शुक्रवार को स्कूल से घर लौट रही छात्रा के साथ बदमाशों ने पहले छेड़खानी की, फिर उसका दुपट्टा खींचा। इस दौरान अंबेडकर नगर के हंसवार थाना इलाके के बरही ऐदिलपुर की रहने वाली छात्रा का बैलेंस बिगड़ गया और वो अनियंत्रित होकर साइकिल से नीचे गिर गई। इसके बाद पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उसे रौंद दिया और छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि आरोपी लंबे समय से छात्रा को परेशान कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पुलिस को घटना की जानकारी मिली वो हरकत में आई। पुलिस ने आरोपी शहबाज और फैजल को धर दबोचा। पुलिस की इस कार्रवाई से मतलब साफ है कि यूपी में रहना है तो अपराध से दूर रहना होगा। बता दें कि रविवार सुबह जब आरोपियों का मेडिकल कराने के लिए पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस वालों की बंदूक छीनने की कोशिश की। बदमाशों ने न केवल बंदूक छीनी बल्कि पुलिस पर फायरिंग भी कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शहबाज और फैजल के पैर में गोली लग गई, जबकि भागने के चक्कर में तीसरे बदमाश का पैर टूट गया। दरअसल सीएम योगी का साफ संदेश है कि यूपी में अपराधी या तो जेल चले जाएं या फिर प्रदेश छोड़ दें। कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। यूपी में अपराध के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है, जिसके तहत एक तरफ जहां अंबेडकर नगर की बेटी की जान लेने वाले दरिंदों के खिलाफ एक्शन लिया गया तो वहीं यूपी के आगरा में भी पुलिस और शातिर लुटेरों के बीच मुठभेड़ में एक लुटेरे मनीष के पैर में गोली लगी। आगरा के अछनेरा थाना क्षेत्र में चले मुठभेड़ के बाद पकड़े गए लुटेरे से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस, 23,000 की नकदी और एक बाइक बरामद की है। इसी सूचना पर हमारी एसओजी की टीम और कोतवाली नगर की टीम इनको घेराबंदी की और उस घेराबंदी में जब वो अपने को घिरता देखे तो पुलिस पार्टी पर फायर किए, जिसमें एक बदमाश जिसका नाम अनूप उर्फ वीर है, इसके पैर में गोली लगी है, जिसको जिला चिकित्सालय भेजा गया है। दूसरा बदमाश जिसे गिरफ्तार किया गया है वो गौरव सनाप सुभाष है। इनके पास से अवैध शस्त्र दो और भारी मात्रा में खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। योगी राज में माफियाओं के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। कुख्यात शराब माफिया सुधाकर सिंह पर प्रतापगढ़ पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने माफिया सुधाकर सिंह के लखनऊ में 3 फ्लैट, रायबरेली में कृषि योग्य जमीन के साथ 6 संपत्तियां जिनकी कीमत 1,73,00,000 से अधिक है, पुलिस ने उनको जब्त करने के साथ ही कुर्की की कार्रवाई की है। इसके साथ ही सुधाकर सिंह के बैंक खाते में जमा 1,95,117 रुपए को फ्रीज किया गया। बताया जा रहा है कि माफिया सुधाकर सिंह ने इन संपत्तियों को अपनी काली कमाई से बनाया था, जिस पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। योगी राज में अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस काफी सख्त है और संदेश साफ है, अब यूपी में अपराधियों की खैर नहीं। टीम न्यूज नेशन।